नमस्ते दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों के सामने दुनिया के प्रमुख स्टॉक मार्केट्स के बारे में बात करूंगा, दुनिया के प्रमुख स्टॉक मार्केट्स के बारे में भविष्यवाणी करूंगा। मैं आपको बताऊंगा 21 अक्टूबर 2024 से लेकर 25 अक्टूबर 2024 तक दुनिया के प्रमुख स्टॉक मार्केट्स कैसे रहेंगे, उसकी भविष्यवाणी करूंगा मैं। मगर सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक विनती रखना चाहता हूं कि कभी भी मेरे वीडियो देखकर, मेरे वीडियो सुनकर, मेरी रेंज सुनकर इंडिसीज की कभी भी कोई ट्रेड ना ले, इस जिंदगी में ना ले, कभी भी ना ले। तो यही आप लोगों के सामने मेरी विनती है। और दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं सिर्फ ज्योतिष और अंक ज्योतिष इस्तेमाल करता हूं अपनी भविष्यवाणी करने के लिए, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आप अपने समस्याओं का समाधान करवाना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी के बारे में ज्योतिष और अंक ज्योतिष के द्वारा जिंदगी को संवारना चाहते हैं, तो आप जरूर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो पे दिया गया है। और आगे एक बहुत ही बड़ी अमावस्या आ रही है, तो अगर आप उस दिन अपने लिए पूजा करवाना चाहते हैं तो भी आप मेरे से जरूर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको आपके भविष्य के बारे में जरूर जानकारी दे सकता हूं। मेरा वास्तु ज्योतिष और अंक ज्योतिष को लेकर करीब 32 सालों का अनुभव है। अब मैं आप लोगों के सामने अगले हफ्ते की भविष्यवाणी रखना चाहता हूं। देखिए, आज की भविष्यवाणी करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस स्टॉक मार्केट में लखपति, करोड़पति, अरबपति आज या कुछ महीनों में बनना है, तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट को कसीनो की तरह समझेंगे, अगर आप इस मार्केट को कसीनो की तरह समझेंगे, तो आप जरूर हारेंगे स्टॉक मार्केट में। अगर आप एक दो दिन के लिए ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड में आप जरूर अपना पैसा खोएंगे। हाँ, कभी कभी आप जीतेंगे भी, मगर अंतिम में आपका सब पैसा चला जाएगा। तो इस मार्केट में जुआ ना खेलें, कोई भी तरह का जुआ नहीं खेलें। मेरा कहने का मतलब है, जुआ किसी का ना हुआ। हाँ, आपने ठीक सुना, जुआ किसी का ना हुआ, क्योंकि उसमें नुकसान निश्चित है। हमेशा सोचे इन्वेस्ट करने का, हमेशा सोचे निवेश करने का इस मार्केट में, क्योंकि जिन्होंने भी बड़ा पैसा कमाया है इस मार्केट में, उन्होंने निवेश करके ही कमाया है बड़ी अवधि के लिए। किसी ने भी इस मार्केट में करोड़ों अरबों रुपए नहीं कमाए हैं कुछ दिनों या कुछ महीनों में। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, इस स्टॉक मार्केट के बारे में, अपनी ट्रेडिंग के बारे में, अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए, अब मेरी जो भविष्यवाणी है अगले हफ्ते के बारे में, वो ये है कि मैं अगले हफ्ते इस मार्केट्स में, दुनिया के प्रमुख स्टॉक मार्केट्स पर सपाट से लेकर सकारात्मक हूँ, फ्लैट टू पॉजिटिव हूँ अगले सप्ताह 21 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2024 तक। मगर उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट्स उस लेवल के नीचे नहीं जा सकती जहां पर 18 अक्टूबर को बंद हुई है। हाँ, मार्केट्स बिल्कुल जा सकती हैं 18 अक्टूबर के लेवल के नीचे, मगर वहां से एक रिकवरी आएगी और मार्केट्स फिर पॉजिटिव टेरिटरी में चलने लग पड़ेंगे, सकारात्मक चलने लग पड़ेंगे, 18 अक्टूबर के लेवल के ऊपर चलने लग पड़ेंगे। मेरा मानना यह है कि मार्केट्स 18 अक्टूबर 2024 के लेवल के नीचे जा सकते हैं और सिर्फ आधा परसेंट गिर सकता है उस लेवल से, और वहां से एक रिकवरी आएगी आधा परसेंट नीचे 18 अक्टूबर के लेवल के, और वहां से मार्केट चलने लग पड़ेंगे और फिर मार्केट में तेजी होनी चाहिए अगले सप्ताह। देखिए, इस समय अगर आप ट्रेड लेते हैं आधा परसेंट नीचे 18 अक्टूबर 2024 के लेवल के नीचे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप एक अच्छा रुपया कमा सकते हैं, आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अगर आप उस ट्रेड को मिनिमम 3 हफ्ते चलाएं।
हाँ, अगर वो ट्रेड लेते हैं आप 3 सप्ताह के लिए आधा परसेंट नीचे 18 अक्टूबर 2024 के लेवल के, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप उसमें अच्छा रुपया कमा सकते हैं। मगर आपका ट्रेड, आपका नजरिया 3 हफ्तों के लिए होना चाहिए। देखिए, अगले हफ्ते मार्केट्स में क्रैश का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, कुछ मार्केट्स दुनिया के 5-7% गिरे हैं, बिल्कुल गिरे हैं, मगर 5-7% तो एक नॉर्मल बिहेवियर है मार्केट का, एक साधारण बात है मार्केट में। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मार्केट्स 5-7% गिर गए हैं। ये 5-7% गिरना मार्केट्स में तो होता ही रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं हुई है इस बार। मगर अगले सप्ताह मेरा मानना ये है कि मार्केट्स सपाट से लेकर सकारात्मक रह सकते हैं और क्रैश का अगले सप्ताह कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बस मैं आप लोगों के सामने इतनी सी ही बात रखना चाहता था और अब मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। जय माता दी, जय मां काली।